26 फरवरी 2024 यूपी के हाई प्रोफाइल शहर ग्रेटर नोएडा की एक नामी यूनिवर्सिटी से बीबीए कर रहा यश मित्तल अपने हॉस्टल से अचानक गायब हो जाता है। यश का परिवार इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। अच्छे पैसे वाले खाते पीते घर का लड़का यश, एक तो नौजवानी, उस पर मौज मस्ती और जिंदगी के मजे लेता यश। आप पैसे वाले हैं तो दोस्त यार भी खूब बन जाते हैं, इंजॉय करने और कराने वालों की कमी थोड़े रहती है। तो हुआ ये कि यश का न कोई फोन न इत्तला, घर वाले भी बेफिक्री में यही सोचते रहे लड़का होगा कहीं दोस्तों के साथ। वक्त ज्यादा हुआ तो फिक्र होना लाजमी था। फोन घनघनाने की कोशिश की पर वो नाकाम, क्योंकि फोन ही ना लगे। फिर ये भी सोचा कि फोन का नेटवर्क गया होगा या चार्जिंग की प्रॉब्लम आ गई होगी, लेकिन अगले दिन 27 फरवरी की शाम 5:30 बजे यश के पिता प्रदीप मित्तल के मोबाइल पर मैसेज आता है कि यश को हमने किडनैप कर लिया है, छोड़ने की एवज में 9.5 करोड़ रुपए चाहिए। मैसेज देखकर घर वालों के होश फाख्ता हो गए। वो तुरंत पुलिस के पास पहुंचे। पिता प्रदीप मित्तल ने बताया कि यश ने अपने मोबाइल में खराबी आने की बात कही थी। 26 फरवरी की शाम को भी उसने यही कहा था कि उसके मोबाइल में कुछ दिक्कत है, मोबाइल को सही कराने के लिए वो जा रहा है। इस बातचीत के कुछ देर बाद यश का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। हमने ये मान लिया कि मोबाइल को रिपेयरिंग के लिए दे दिया गया होगा, इसलिए बंद है। अगले दिन भी मोबाइल स्विच ऑफ आने पर उन्होंने मान लिया था कि फोन रिपेयरिंग के लिए दुकान पर दे दिया गया होगा। दोपहर बाद भी फोन ऑन नहीं होने पर उन्होंने सोचा कि कॉलेज में क्लास के बाद वो फोन लेने दुकान जाएगा। घर वाले इसी पशुपेश में थे, पर मन नहीं माना तो वो यूनिवर्सिटी गए और उसके दोस्तों से पता किया, लेकिन कुछ जानकारी नहीं मिली तो शक हुआ। और फिर 27 फरवरी की शाम को करीब 5:30 बजे प्रदीप मित्तल के मोबाइल पर यश के नंबर से मैसेज आया, जिसमें कहा गया था कि बेटे यश को जिंदा देखना चाहते हो तो 9.5 करोड़ रुपए तैयार रखो। यश के चाचा बता रहे हैं कि किडनैपर से फिरौती की रकम की बात 9.5 करोड़ रुपए पर शुरू हुई थी और आखिर में वो कम करते करते 6 करोड़ की फिरौती पर अड़ गए। ग्रेटर नोएडा पुलिस हरकत में आई, हॉस्टल से लेकर आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। यश के फोन नंबर को सर्विलांस पर डाला गया, उसके नंबर से पिछली बातचीत के डिटेल डिकोड किए गए। मालूम चला कि गायब होने तक यश की बात अपने दोस्त और साथ पढ़ रहे रचित नाम के लड़के से हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों का गठन कर जनपद गजरौला में ऑपरेशन चलाकर सर्विलांस की मदद से यश के दोस्त रचित को पकड़ा गया। इसके बाद घबराए रचित ने जो उगला, उसने पुलिस और घर वालों के पैरों तले जमीन ही सरका दी। रचित ने बताया कि 26 फरवरी को यश मित्तल को फोन करके उसने पार्टी करने बुलाया था। यश ने अपने दोस्तों रचित, शिवम, सुशांत और शुभम चौधरी के साथ मिलकर तिगरिया अमरोहा के जंगल में बैठकर पार्टी की। कहा जा रहा है कि पार्टी के दौरान यश ने अपने दोस्तों से बस इतना कह दिया कि यार कब तक मेरे पैसों पर दारू पीते रहोगे, मेरी वजह से तो ये ऐश है। बस फिर क्या था, ये बात नशे में धुत दोस्तों को चुभ गई और दिल पर ऐसी लगी कि इन लोगों ने मौके पर ही यश का किडनैप कर लिया और उसके घर वालों से रकम मांगने का प्लान बनाया। फिर ना जाने क्या हुआ क्या नहीं कि इन दोस्तों ने यश की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर लाश को 5-6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। आरोपी लड़कों ने यश के मोबाइल की सिम निकालकर ऐसे मोबाइल में डाली जो काफी दिन से इस्तेमाल में नहीं था, मगर उससे जब फिरौती के लिए मैसेज पिता के मोबाइल पर भेजा गया तो उसी मोबाइल का IMEI पुलिस ने सर्च किया और फिर कातिलों तक पहुंचा जा सका। पुलिस की दबिश के दौरान आरोपी लड़कों ने पुलिस पर हमला भी किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक लड़के के पैर पर गोली लगी है। यश मित्तल की लाश बरामद कर ली गई है। जिस जगह पर लाश दबाई गई वो यश के घर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। घर वाले 48 घंटे तक अमरोहा और ग्रेटर नोएडा के चक्कर काटते रहे। उन्हें क्या पता था बेटे का शव पास ही दबा हुआ था।